नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। कोविड 19 यानी कोरोना वायरस को लेकर देश में गंभीर बनी हुई है, यानी देश गंभीर बना हुआ है। कल मलाड में एक शख्स की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है, जिसको लेकर दफनाने और जलाने में काफ़ी बवाल मचा, यानी दफनाने और जलाने को लेकर काफ़ी बवाल मचा रहा पूरे महाराष्ट्र में। और जो जानकारी सामने निकल कर आई वो ये है कि कोरोना वायरस से जिसकी मौत हुई है उसको दफनाया नहीं गया, बल्कि उसे जला दिया गया है। और कब्रिस्तान के जो जिम्मेदार थे उन्होंने मैयत को दफनाने नहीं दिए। यहाँ तक पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका जो है पूरी कोशिश करती रही, लेकिन कब्रिस्तान के जो ट्रस्टी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने नहीं दफनाने दिया। और इस बीच इसी मुद्दे को लेकर अबू आसिम आजमी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। साथियों, मैंने इसके पहले एक वीडियो निकाली थी, मेरी जानकारी सही नहीं थी, इसलिए उस वीडियो को मैंने भेजने से मना किया। आज पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में जो जो मुसलमान ये सुन रहा है कि मलाड के अंदर कल कब्रिस्तान में एक मुसलमान की मैयत जो कोरोना की बीमारी से इंतकाल हुआ था उसको दफनाया नहीं गया और उसे जो है जाकर के जला दिया गया, सारे मुसलमानों में बेहद बेचैनी फैली हुई है। मैंने जब वहाँ मेरा आदमी भेजा पता लगाने के लिए सच्चाई, तो वहाँ पर मुझे एक ग़ुलाम गरीब नवाज़ मिले जिनकी बातों में मैं सच्चाई समझकर मैंने वीडियो निकाल दिया। लेकिन अब मेरे पास बिल्कुल सच्ची सच्चाई है कि जो लोग अस्पताल में थे, जो लोग मैयत को लेकर आए, जो कब्रिस्तान में गए, इन लोगों ने कहा कि हम दफनाने आए थे साथ में, हम मैयत को ले गए कब्रिस्तान में, जो लोग थे उन्होंने कहा नहीं, यहाँ के मिनिस्टर से बात जब तक नहीं होगी हम दफनाने नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा मिनिस्टर तो बहुत है महाराष्ट्र में, कौन सा मिनिस्टर, तो बोले असलम शेख। तो इन लोगों ने जो मैयत को ले गए थे असलम शेख को रात को फ़ोन लगाया, उनका टेलीफोन नहीं उठा। उसके बाद इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत कुछ यहाँ भागदौड़ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पुलिस भी वहाँ पर आई और उसके बाद मैयत को वहाँ के जिम्मेदारों ने दफनाने नहीं दिया। और म्यूनसिपल्टी के लोग, पुलिस के लोग सब ने बहुत ही ज़्यादा मदद किया इसके अंदर। जो शख्स साथ थे उनके फैमिली के लोग, उन सब लोगों का यही बयान है कि सबकी मदद बराबर हुई, लेकिन कब्रिस्तान के जिम्मेदारों ने कहा हम अपने कब्रिस्तान में कोरोना से मरने वाले शख्स को दफनाने नहीं देंगे। तब जाकर के म्यूनसिपल्टी के लोग मजबूर होकर लेके गए और उन्होंने जाकर उसको जला दिया। ये सच्चाई है। मुझे अफसोस है कि ये कब्रिस्तान के ज़िम्मेदार किसी के बाप की कब्रिस्तान नहीं है। कब्रिस्तान जो है एक जो है सबकी, पूरी कौम और मिल्लत की होती है, लेकिन उसके अंदर वहाँ के ज़िम्मेदारों ने अगर उसे वहाँ पर दफनाने नहीं दिया तो मैं समझता हूँ इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती है। हम सारे मुसलमान बहुत बेचैन इस बात पर, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। मैं सरकार से और पुलिस से कहूँगा कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और इनको बख्शा नहीं जाए इसे। अबू आसिम आजमी जो है वो कल से अपनी आवाज़ सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। इस कब्रिस्तान में जो दफन नहीं किया गया है उसको लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि वक्फ बोर्ड को ये कदम फौरन उठाना पड़ा। वक्फ बोर्ड ने जो है जैसे ही उनको जानकारी मिली उन्होंने एक पत्र लिखा, आप देखें इसमें कहा गया है कोरोना वायरस से मरने वाले व्यक्तियों को, खासकर मुस्लिम समाज को, कब्रिस्तान के ट्रस्टियों जिम्मेदारों को फौरन कब्रिस्तान में दफन करना आवश्यक है और कोरोना वायरस से मरने वाले व्यक्तियों को दफन करने के लिए कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, कोई रोक नहीं है। महाराष्ट्र शासन ने स्पष्ट किया है, जो हम आपको पत्र दिखा रहे हैं। 2 अप्रैल 2020 को अनीस शेख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने, उनके तरफ से ये पत्र लिखा गया है, उन्होंने भेजा है उन कब्रिस्तान के जो ट्रस्टी हैं, जो पूरे महाराष्ट्र में जो ट्रस्टी हैं उनको ये चेतावनी दिया है। ये सिर्फ किसी एक कब्रिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि कब्रिस्तान के ट्रस्टियों के लिए है, सभी कब्रिस्तान के ट्रस्टियों के लिए है। अगर किसी ने, यानी कब्रिस्तान के ट्रस्टी व जिम्मेदारों ने विरोध किया तो उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी, ऐसी चेतावनी जो है महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड मंडल ने दिया है। पूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान ने भी आवाज़ उठाई, इसी तरह से और भी लोगों ने आवाज़ उठाई है, जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने पत्र लिखा और अपने आदेशों का पालन करने को कहा है। सुनिए आरिफ नसीम खान ने क्या मांग की है, क्या कुछ कहा है। साथियों, कल एक बहुत जबरदस्त और दिल दुखाने वाली घटना मालोनी मलाड में हुई। एक मुस्लिम
समाज के एक करुणा से उनका इंतकाल हुआ, उनकी डेथ हो गई और उनको मालोनी मलाड़ कब्रिस्तान के अंदर दफन करने के लिए जब ले जाया गया तो उनको वहां पर दफन नहीं करने दिया गया और मुझे कुछ लोगों ने बताया कि उनको अधिकारियों ने जाकर जला दिया। ये खबर फैलते ही पूरे मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर लोगों में बहुत ही गुस्सा और नाराजगी फैली। बहुत सारी सामाजिक तंजीम और उलमा इकराम ने हमसे राब्ता कायम किया, हमसे बात की फोन करके और उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया। हमने फौरन महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर श्री अनिल देशमुख साहब से और बॉम्बे पुलिस कमिश्नर से हमने बात की है और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की हमने मांग की है। उसी के साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री अजीत पवार, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर श्री अनिल देशमुख जी, बम्बई पुलिस कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर, इनको हमने और उसी के साथ साथ कांग्रेस के जो सीएलपी लीडर और सीनियर मिनिस्टर हैं श्री बाला साहब थोरात, उनको हमने एक लेटर फौरन लिखा है और उनसे मांग की है कि करोना से मरने वाले जो लोग हैं, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, गिरी बिरादरी जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, जिनको मजहब के मुताबिक दफन किया जाता है, उनके लिए स्पेशल कब्रिस्तान के अंदर एक जगह ईमार्क करके फिक्स किया जाए और मेडिकली सिस्टम के मुताबिक उनको वहां पर दफन किया जाए। उसी के साथ साथ हमने ये भी मांग की है कि अगर महाराष्ट्र की सरकार के पास ऐसा कोई इनपुट है कि आने वाले दिनों में कम्युनिटी स्प्रेड ज्यादा होगी कोरोना बीमारी को लेकर और मौतें ज्यादा होने की संभावना है, उम्मीद है, मालिक ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की सरकार को ये चाहिए कि जितनी भी कब्रिस्तान है बड़ी बड़ी जगह वाली, उन कब्रिस्तानों में एक किनारे ई मार्क कर देना चाहिए इलाका और मेडिकली प्रोसेस के मुताबिक उनको वहां पे दफन करना चाहिए। उसी के साथ साथ मुंबई में ईस्टर्न सबब और वेस्टर्न सबब में नई कब्रिस्तान अलॉट कर देना चाहिए ताकि इस तरह से आने वाले दिनों में अगर ज्यादा मौतें होती हैं तो उनको कोरोना से मरने वालों के लिए ही उसको रिजर्व करना चाहिए और उसको उनको वहां पर तकफीन करना चाहिए और महाराष्ट्र के सभी जिले में हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक कब्रिस्तान इस तरह से ईमार्क करना चाहिए और हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र की सरकार फौरन कदम उठाएगी और साथ साथ कल मालोनी मलाड़ में जिस तरह से ये हुआ है ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी हमने मांग किया है। मैं सभी से अपील करता हूं कि इस मामले को लेकर ज्यादा जज्बात में ना आए, ज्यादा गुस्सा ना हो, कानून को हाथ में ना लें, हम लोग ऐसा आने वाले दिनों में इस तरह का दोबारा कोई वाकया ना हो उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई कराने की मांग करेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।